नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 37th लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लम की कल्टिवेशन के बारे में। ठीक, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा आप लोगों को बता दें कि जो प्लम की क्रॉप है ये एक डेसीडुअस क्रॉप है और जो हमेशा कहाँ पर उगाया जाता है, टेम्परेट रीजन में। ठीक, यानी कि ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ों पर जब बर्फ़ पड़ती है वैसे एरिया में इसको उगाया जाता है। ठीक, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। ठीक, तो बने रहिए और शुरू करते हैं, ये वीडियो आपकी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो, पहले जान लेते हैं कि इसका होता कैसे है, प्लम देखने में कैसा होता है। प्लम देखने में इस टाइप का होता है। ठीक, आप लोगों में से बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तो देख लीजिए, इसका जो फल होता है वो इस तरह दिखता है। कुछ पिंक कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, और इसी में कोई कोई पिंक और येलो कलर का मिक्सचर भी होता है। वेराइटी टू वेराइटी डिफरेंट होता है, स्पाइसेस टू स्पाइसेस अलग अलग होते हैं। समझ गए बात। अब चलते हैं, देखते हैं इसका प्लम का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, प्रूनस डोमेस्टिका। क्या है? बोटेनिकल नेम ऑफ प्रूनस डोमेस्टिका। ठीक, प्लम का जो बोटेनिकल नेम है वो है प्रूनस डोमेस्टिका। इसकी जो फैमिली है वो है रोजेसी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, जापान। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, प्लम का बोटेनिकल नेम क्या है, प्रूनस डोमेस्टिका। इसकी फैमिली कौन सी है, रोजेसी। ओरिजिन प्लेस कौन सा है, जापान। ठीक, रोजेसी फैमिली का अभी तक मैंने एप्पल पढ़ा दिया, पियर पढ़ा दिया, पीच पढ़ा दिया। एप्पल, पियर, पीच, ये तीन क्रॉप पढ़ाई मैंने, तीनों रोजेसी फैमिली की हैं और तीनों ही टेम्परेट रीजन की क्रॉप्स हैं। समझ गए बात। आगे चलते हैं, देखें फिर क्या बोल रहा है। प्लम ट्री ग्रोज 5 to 7 meters एंड हैव ग्रीनिश व्हाइट फ्लावर। ये जो प्लम का ट्री होता है ये 5 to 7 meters हाइट तक होता है। ठीक, मैक्सिमम 5 to 7 meters हाइट तक का ये प्लांट होता है और इसका जो फ्लावर होता है वो ग्रीनिश व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीनिश व्हाइट कलर का इसका फ्लावर होता है। फिर अगला देखते हैं, इसकी जो रेसेस होती हैं, मेनली दो रेसेस होती हैं। ठीक, मतलब दो स्पेसीज इसकी हैं, दो स्पेसीज प्लम की कल्टीवेट की जाती हैं इंडिया में। कौन कौन सी हैं? पहला तो है, एक है यूरोपियन प्लम। कौन सा है? यूरोपियन प्लम, जिसका बोटेनिकल नेम होता है प्रूनस डोमेस्टिका। इसमें 2N=16 पाया जाता है। और जो दूसरा है जापानीज प्लम, जिसको हम प्रूनस सेलिसिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जापानीज प्लम का बोटेनिकल नेम क्या है, प्रूनस सेलिसिना। ये मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, इंडिया में जो ज़्यादा पॉपुलर है वो जापानीज प्लम ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें जो 2N क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 48 होते हैं। अब आगे बात करते हैं इसका ट्रेनिंग सिस्टम। देखो, जितने भी फ्रूट क्रॉप्स होती हैं इनकी अगर हमें प्रॉपर फ्रूटिंग लेनी है, इसमें से अगर हमें प्रॉपर वे में कल्टीवेशन इसकी करनी है, तो हर क्रॉप, फ्रूट क्रॉप में लगभग सभी क्रॉपें जो होती हैं ये थोड़ी बहुत प्रूनिंग मांगती हैं। कुछ मॉडरेट प्रूनिंग मांगती हैं, कुछ थिन प्रूनिंग मांगती हैं और किसी में हैवी प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जो ट्रेनिंग किया जाता है उसी में ट्रेनिंग और प्रूनिंग, अगर हमें प्रॉपर लेना है फ्रूट तो हमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना पड़ेगा। तो इसमें जो हम ट्रेनिंग लाते हैं, ट्रेनिंग का मतलब होता है पौधे को एक स्पेशल आकार देना, उसकी जो शाखाएं निकल रही हैं उनको प्रॉपर एक स्पेसिंग में अरेंज करना, उनको ट्रेन करना, जिससे प्रॉपर एरेशन और प्रॉपर सनलाइट पत्तियों को मिल सके, जिससे ग्रोथ अच्छे से होगी। तो इसमें जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम यूज़ किया जाता है। मेनली हर क्रॉप में यही सिस्टम यूज़ किया जाता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उनमें सेंट्रल लीडर सिस्टम यूज़ करते हैं। जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, उनको हम करते हैं ओपन सेंटर सिस्टम में। और जो कुछ मॉडरेट हाइट के होती हैं उनमें सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम यूज किया जाता है। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम की ही ट्रेनिंग की जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, रूट स्टॉक की बात कर लेते हैं कि प्लम की कल्टिवेशन में कौन कौन से प्रकार के रूट स्टॉक यूज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला है विगोरस रूट स्टॉक। विगोरस स्टॉक ऐसे रूट स्टॉक जो लंबे लंबे होते हैं। ठीक, यानी कि जिनकी हाइट बड़ी होती है वैसे रूट स्टॉक। उस रूट स्टॉक में जो पहला रूट स्टॉक है
मायरोबलन बी, क्या नाम है, मायरोबलन बी। ये रूट स्टॉक कैसा है, विगोरस रूट स्टॉक है जो किसमें यूज होता है, प्लम की क्रॉप में। उसके बाद है एस्टी जुलेंसी, ये भी एक विगोरस रूट स्टॉक है जो प्लम में यूज किया जाता है। फिर एक है मायरो 29C, ये भी एक अच्छा सा रूट स्टॉक है जो प्लम में यूज किया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं ड्वार्फिंग रूट स्टॉक की। ड्वार्फिंग रूट स्टॉक कौन सा है जो प्लम में यूज किया जाता है, तो उसका नाम है ड्वार्फिंग रूट स्टॉक का क्या नाम है, पिक्सी। क्या नाम है, पिक्सी, PIXY। पिक्सी ये जो रूट स्टॉक है ये कैसा रूट स्टॉक है, ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। और अभी जो मैंने तीन रूट स्टॉक बताए वो कैसे थे, वो विगोरस रूट स्टॉक थे, यानी कि उसमें पौधे की हाइट ज़्यादा होगी। और ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जो है इनमें पौधे की हाइट ड्वार्फ होगी, यानी पौधा छोटा होगा। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिख रहा है। फ्रूट TSS एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि TSS मीन्स होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड, यानी कि जब पौधा पक जा सॉरी जब फल पक जाता है तो फल पक जाने के बाद इसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड कितना होता है, तो वो कितना होता है 12.5%। जो TSS होता है इसको हम ब्रिक्स में मेजर करते हैं, तो फुल्ली मैच्योरिटी के समय प्लम में 12.5 ब्रिक्स TSS पाया जाता है। समझ गए बात। फिर बात करते हैं चिलिंग रिक्वायरमेंट की। देखो समझो कि जो टेम्परेट क्रॉप्स होती है इनमें हर क्रॉप चिलिंग रिक्वायरमेंट मांगती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब ऐसा होता है, ऐसा टेम्परेचर जब बहुत बर्फ़ पड़ रही हो, ठीक, टेम्परेचर बहुत कम हो, उसी को हम बोलते हैं चिलिंग टेम्परेचर, यानी चिल्ड टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर। तो इसको साल भर में कितना चिलिंग टेम्परेचर चाहिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो जो टेम्परेट क्रॉप्स होती हैं इनमें सब में चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है। इसीलिए जो मैंने अभी एप्पल, पियर, पीच और इससे जो पहले मैंने टेम्परेट क्रॉप्स पढ़ाई थी, तीन क्रॉप जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उस क्रॉप में मैंने बताया था कि कौन कौन सी क्रॉप को कितना चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए। इसी तरीके से प्लम में भी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें देखते हैं कि चिलिंग रिक्वायरमेंट होती कितनी है। पहला है 1000 से 1200 आवर, ठीक, मतलब 1000 से 1200 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है किसकी, जो यूरोपियन प्लम होता है। दो प्रकार की, अभी मैंने बताया ना, दो प्रकार की स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ की जाती है, स्पेसीज कौन कौन सी, पहला तो है यूरोपियन और दूसरा जापानीज है। तो जो यूरोपियन प्लम है वो 1000 से 1200 घंटे एक साल में इतना चिलिंग टेम्परेचर तो उसे चाहिए ही चाहिए, यानी कि साल भर में 1000 से 1200 घंटे ऐसे होने चाहिए जहाँ में टेम्परेचर बहुत कम हो, यानी कि माइनस में टेम्परेचर हो एनवायरनमेंट का। उसके बाद जो दूसरा है वो जापानीज है। अब जापानीज में कौन कौन सा है, एक तो है जापानीज में जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो 700 से 1000 है, यानी कि ये जो जापानी जो इंडिया में ग्रो किया जाता है मेनली, इसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट कम होती है और यूरोप वाली ज़्यादा होती है। अब बात समझो कि तुम ये बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ कि ज़्यादा ठंडी कहाँ होती है, यूरोप कंटिनेंट में होती है या इंडिया में होती है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, बच्चा बच्चा जानता होगा कि यूरोप में जो होता है वहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो फ्रांस और ब्रिटेन के लोग होते हैं ये सब कैसे होते हैं, ये सब गोरे गोरे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर है इनसे काफ़ी दूर रहते हैं, जो इक्वेटर के बीच में रहते हैं। इक्वेटर समझते हो, इक्वेटर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इक्वेटर से जो लोग दूर रहते हैं, जितनी ज़्यादा दूर रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो गोरे गोरे होंगे। और इक्वेटर के जो पास होते हैं वो काले काले होते हैं। और इक्वेटर की जो रेखा होती है ये श्रीलंका के नीचे से जाती है, इसीलिए जो इंडिया में उत्तर साइड में रहने वाले लोग हैं, यानी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के लोग हैं, ये सब गोरे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे लोग वहाँ के अधिकतर काले होते हैं। क्यों, क्योंकि ये विषुवत रेखा जिसको हम इक्वेटर रेखा बोलते हैं ये इक्वेटर के पास हैं। तो इक्वेटर के पास वाली जगह पर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसी वजह से लोग वहाँ के काले होते हैं। तो यूरोप ऐसी जगह है जो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। तो इसीलिए जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो किसकी ज़्यादा होगी,
यूरोप वाली की ज़्यादा होगी। थोड़ा सा ऐसे आप याद कर सकते हैं कि किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, यूरोप वाली या जापानीज वाली। और जो जापान वाला है ये इक्वेटर के आसपास पड़ता है। जापान आप लोगों ने देखा होगा मैप में, अगर आप मैप में थोड़ा सा इमेजिनेशन करें जापान कहाँ है, तो आप देखेंगे कि यूरोप के मुकाबले जो जापान है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास है। इसलिए यहाँ की जो स्पेसीज होंगी वो थोड़ा हीट टॉलरेंट कर लेंगी, यानी कि इनको चिलिंग रिक्वायरमेंट कम चाहिए होगा। इसी वजह से जो जापानीज क्रॉप्स हैं या जापानीज जो स्पेसीज हैं ये 700 से 1000 आवर ही चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रखती हैं। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डिफिशियंसी ऑफ बोरान इन प्लम रिजल्ट इन मिसशेपन फ्रूट। अगर बोरान की कमी हो जाती है प्लम में, प्लम की जो हमारी क्रॉप है अगर इसमें बोरान की कमी हो जाती है तो मिसशेपन फ्रूट पैदा होते हैं, मतलब जो फ्रूट प्रोड्यूस होंगे वो मिसशेपन होंगे, यानी कि उनका उनका जो आकार है, उनका जो शेप है वो परफेक्टली होगा नहीं। अभी मैंने स्टार्टिंग में देखो दिखाया था, ये तो नॉर्मल सा फ्रूट है, ठीक, नॉर्मल सा, ये मिसशेपन नहीं हुआ, देखो कैसे है, ठीक। और ये वाला जो अभी हम दिखा रहे हैं, हमको हम इमेज खोज रहे थे एप्पल की, तो हमें एप्पल की इमेज, उस सॉरी प्लम की हम इमेज खोज रहे थे तो हमें मिली नहीं, इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि मिसशेपन होता क्या है इसमें। देखो ये है तो सेब, ये प्लम नहीं है, है सेब, लेकिन मिसशेपन वाली जो प्रॉब्लम है वो उसको ऐसे देख सकते हो। देखो इसमें कैसे हो गया, इसका आकार कैसे ढचक पचक गया है। तो इसी तरीके से प्लम में भी हो जाता है, क्योंकि जब बोरॉन की डिफिशेंसी होती है तो मिसशेपन फ्रूट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, क्लीन बेसिन प्लस परमानेंट सॉड इन ऑर्चर्ड इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर मैनेजमेंट इन प्लम। अब बात समझते हैं कि जो प्लम की क्रॉप होती है इसमें जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो ज़मीन की सतह होती है, इसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। देखो सबसे बात पहली बात समझते हैं कि हमने अभी पहले बताया कि जो प्लम की क्रॉप होती है 5 to 7 meter लॉन्ग होती है, यानी कि इतनी ही लंबाई, सॉरी हाइट इतनी ही होगी। अब इनकी हाइट इतनी होगी तो यानी कि हमारा जो ऑर्चर्ड होगा वो बीच बीच में ऐसी बहुत जगह बचेगी जहाँ पर पेड़ पौधे या पत्तियाँ नहीं होंगी। तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर या तो ढेर सारी झाड़ियाँ घासें उग जाएंगी, और अगर हम उनकी क्लीन कल्टीवेशन करते हैं, हमेशा उनको अगर निकाई गुड़ाई करके साफ करते रहेंगे, तो बरसात के मौसम में पानी बरसेगा जब, तो सॉयल इरोजन ज़्यादा होगा, तो दोनों तरीके से हमें लॉस होगा। एक तो अगर खरपतवार ज़्यादा होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, और अगर हमने खेत को हरदम साफ रखा तो वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी और सॉयल इरोजन भी होने लगता है। इसीलिए इससे, इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीन बेसिन और परमानेंट सॉड मेथड अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बेसिन होता है, जैसे मान लो एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ है, अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे किनारे ऐसे हम बेसिन बनाते हैं, ठीक। वो बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन मैंने पढ़ाया होगा, तो उसमें हमने पढ़ाया था ऐसे ऐसे होता है, ठीक, और नहीं पढ़ाया होगा तो हम फिर पढ़ा भी देंगे। इस टाइप से होता है। अब ये जो है हमारी नाली है, ये बीच बीच में ये क्या है, प्लांट लगे हैं, तो ये जो नाली बनी है इसके किनारे किनारे जो बेसिन है, इस बेसिन को हम क्या करते हैं, बिल्कुल क्लीन रखते हैं, हमेशा साफ रखते हैं, इसमें खरपतवार ना जमने पाए। लेकिन बाकी और जो पूरा प्लांट और जो पूरा बच जाता है ऑर्चर्ड में जगह, उस पर हम क्या करते हैं, परमानेंट सॉड कर देते हैं। अब कुछ आर्टिफिशियल सॉड होता है और कुछ नेचुरल होता है। नेचुरल में हम घास उगा देते हैं, घास को अच्छे से ट्रेनिंग करते रहेंगे, मतलब काटते रहेंगे, घास ज़्यादा बड़ी होने ना पाए, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और हमारा जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो भी जाएगा, और क्लीन बेसिन रहेगा तो सिंचाई में भी हमें अच्छा रहेगा। समझ गए बात, ये क्लीन बेसिन प्लस परमानेंट सॉर्ट दोनों क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, पीक वाटर रिक्वायरमेंट पीरियड इन प्लम इज मई टू जून। मई जून के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली वाटर रिक्वायरमेंट पौधे की बढ़ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लम आर ग्रेडेड इन टू 3 grades। जब हम प्लम की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, इसको जब हम बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं, तो मेनली प्लम को हम 3 grade में क्या करते हैं, 3 grade में डिवाइड करके इसको सेल करते हैं, ठीक, कितने ग्रेड में, 3 grades में। इसी तरीके से जो हमारा आलमंड है उसको हम 6 grade में यूज करते हैं। समझ गए,
इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी क्रॉप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फ्रूट्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ग्रेड में हम डिवाइड कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में रखने से हमें क्या होगा कि मार्केट वैल्यू जो होगी वो अच्छी मिल जाएगी। नहीं तो मान लो कोई सैंपल के रूप में एक निकाला, एक प्लम निकाला, पता चला वो ख़राब है या छोटा सा है, तो उसी को देख के बाकी जितने और प्लम हैं, पूरे पूरे प्लम हमारे जो हैं उनके सब की वैल्यू गिर जाएगी। इसी वजह से हम ग्रेडिंग कर देते हैं कि हाँ भैया ये बहुत महंगा बिकेगा, ये थोड़ा उससे सस्ता, ये सबसे सस्ता, इसी टाइप से ग्रेडिंग करके बेचते हैं। तो मेनली इसको तीन ग्रेड में हम डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं इसकी। अब देखो, ओपन सेंटर इज ओल्डेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन प्लम। अभी जो मैंने बताया कि ट्रेनिंग का कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो कौन सा मेथड था, सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। लेकिन ये जो ओपन सेंटर सिस्टम है ये भी प्लम में यूज किया जाता है और ये सबसे पुराना मेथड है, ये ओल्डेस्ट ट्रेनिंग का मेथड है। इसी वजह से इसको धीरे धीरे अब कम कर रहे हैं। अब लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम यूज कर रहे हैं प्लम में। अब आगे बात करते हैं, इन प्लम हैवी बियरिंग इज ए प्रॉब्लम। देखो अधिकतर क्या होता है कि जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं इनमें अनफ्रूटफुलनेस वाली प्रॉब्लम होती है, यानी कि पौधे में नंबर ऑफ फ्रूट्स कम होते हैं, ये समस्या होती है। जैसे आम है, इसमें फल कम लगते हैं, ये वाली समस्या होती है। फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या होती है, फ्रूट ड्रॉप कर जाते हैं, ये सब समस्याएं होती है। लेकिन प्लम ऐसा एक फ्रूट है जिसमें हैवी बियरिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि इसमें इतने फल लग जाएंगे, इतने फल इसमें लग जाएंगे पेड़ में, कि या तो फल छोटे छोटे हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी ख़राब होगी, और या तो फिर टहनियाँ जब आंधी वाँधी आएगा तो टहनी टूट के गिर जाएगी। इसी वजह से इसमें फ्रूट थिनिंग करते हैं, प्लम में फ्रूट थिनिंग की क्रिया करते हैं, जिससे कि जो नंबर्स ऑफ फ्रूट्स हैं ये कम हो जाए, हैवी बियरिंग ना हो, बहुत ढेर सारे फल ना लग जाएं। क्योंकि बहुत ढेर सारे जब फल लग जाएंगे तो एक तो उनकी क्वालिटी घट जाएगी और जो हमारे फ्रूट्स हैं वो भी छोटे छोटे हो जाएंगे। तो इन्हीं सबको अवॉइड करते हैं किसमें, प्लम में फ्रूट थिनिंग कर। तो ये प्लम में जो हैवी बियरिंग है ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो कभी अगर पूछे आपसे कि हैवी बियरिंग इज अ प्रॉब्लम इन विच फ्रूट्स, तो आपको बताना कौन सा है, प्लम बताना है। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग टू जापानीज ग्रुप। अभी मैंने पहले ही बताया था कि जो जापानीज ग्रुप वाले प्लम हैं ये ज़्यादा फेमस है इंडिया में, ठीक। अगला पॉइंट है, सीड्स ऑफ वाइल्ड एप्रिकॉट। जो वाइल्ड एप्रिकॉट होता है, वाइल्ड एप्रिकॉट ऐसे समझो जो जंगली कह सकते हैं, वाइल्ड मतलब जंगली, जो जंगली एप्रिकॉट होता है, जिनको हम कॉमर्शली इसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं कि इसका हम कल्टिवेशन करते हों, लेकिन ये वाइल्ड वेराइटी है, एक वाइल्ड क्या है, इसका सीड होता है। तो ये वाइल्ड सीड जो होता है, जिसको हम जरदाली बोलते हैं, एप्रिकॉट के वाइल्ड एप्रिकॉट के सीड को क्या बोलते हैं, हम जरदाली बोलते हैं। इसको प्लम में एज ए रूट स्टॉक यूज़ करते हैं, यानी कि एप्रिकॉट का जो वाइल्ड एप्रिकॉट होता है उसके सीड को हम जर्मिनेट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं, सीड को जरदाली बोलते हैं। और जब ये बड़ा हो जाता है, सीडलिंग जर्मिनेट करके बड़ा हो जाएगा, फिर इसी को हम क्या करेंगे, रूट स्टॉक के रूप में यूज़ करेंगे। रूट स्टॉक क्या होता है ये मैं स्टार्टिंग से बताते आया हूँ, हर लगभग लगभग हर क्रॉप में बताता हूँ। तो अगर आपको पता नहीं हो तो पीछे की वीडियो जो है वो आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रूट स्टॉक क्या होता है। समझ गए, तो ये जो जरदाली होता है ये सीडलिंग रूट स्टॉक के लिए यूज़ किया जाता है प्लम में। और ये जरदाली है क्या, ये वाइल्ड एप्रिकॉट का सीड है। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। प्लांटिंग ऑफ प्लम इज डन ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी। मैंने कहा था, मैंने एक दिन और भी बताया था, आज भी आप सुन लीजिए, कि जो मोस्टली टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली बात कर रहे हैं, जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, डेसीडुअस नेचर के जो प्लांट होते हैं, इनकी प्लांटिंग कब करते हैं, हम दिसंबर जनवरी में करते हैं। और जो एवरग्रीन टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनकी प्लांटिंग हम जून जुलाई के महीने में करते हैं, यानी कि ऑनसेट ऑफ मानसून में किसके प्लांटिंग करते हैं, एवरग्रीन प्लांट के। और जो डेसीडुअस नेचर के प्लांट्स होते हैं, या ऐसे बात करें जो टेम्परेट क्रॉप्स होती हैं अधिकतर, उनको हम कब लगाते हैं, प्लांटिंग उनका कब करते हैं, दिसंबर जनवरी में। ये नॉर्मल में हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं, कोई रिजिड कंडीशन नहीं है। समझ गए बात, इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए इसलिए हमने बता दिया। समझ गए बात, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, प्लम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ मई
जिसको हम टेट्रॉन बोलते हैं, टू थर्ड वीक ऑफ जुलाई जिसको हम जमुरी बोलते हैं। तो जो प्लम के फ्रूट्स होते हैं ये मार्केट में प्लम आर अवेलेबल, ये कहाँ कब से कब तक अवेलेबल होता है, सेकेंड वीक ऑफ मई, मई के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के तीसरे सप्ताह तक ये रहता है, यानी मई जून जुलाई के महीने में ये प्लम हमको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो जो मई में मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रॉन बोलते हैं, और जो जुलाई में लास्ट में जो बचा हुआ मिलता है, लास्ट में जो लेट मैच्योरिटी वाले क्रॉप्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जमुरी बोलते हैं। ठीक, ये प्लम के कंडीशन में बात हो रही है। फिर आगे बात करते हैं एक्सेलेंट सोर्स ऑफ, जो प्लम का फ्रूट होता है इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम, इन सब की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्लम इज ए एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम। इट्स ऑल न्यूट्रिएंट इज मेनली इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड इट इज ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग योर रेजिस्टेंसी और इम्यून सिस्टम। ठीक, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रॉपरली इंक्रीज हो, इम्यून सिस्टम प्रॉपरली डेवलप हो, इसके लिए हमें विटामिन चाहिए, जिसमें विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है ये हमें रतौंधी से बचाता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके बाद चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, पोटेशियम हो, ये सब किस लिए काम होते हैं, इन सब का यूज़ होता है हमारी बोन के डेवलपमेंट में। कुछ आयरन जो होता है इसको हमारे, ये हमारे ब्लड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसी की कमी से अगर आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में तो इसी की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, समझ गए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला ये फ्रूट होता है प्लम। आगे बात करते हैं हनी बी आर मेजर पॉलिनेटर, जो मधुमक्खी होती है यही पॉलिनेटर का काम करती है, पॉलिनेटर समझ रहे हो, जो एंथर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए, मतलब जो पॉलिनेशन करवाता है। पॉलिनेशन क्या है, एंथर का मेल फ्लावर से उड़कर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना। ठीक, एंथर का कहाँ पहुंचना, स्टिग्मा पर पहुंचना और स्टिग्मा पर जाके जर्मिनेट करना, यही पॉलिनेशन होता है। तो एंथर का उड़कर स्टिग्मा पर पहुंचना ही पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन होता कैसे है, जो एंथर होता है उसमें पर तो लगे नहीं होते कि अपने आप उड़ जाएगा, या तो वो हवा के माध्यम से जाएगा, या तो वो कीट पतंगों के माध्यम से जाएगा, कभी कभी वो जल के माध्यम से जाता है, जो हाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं उसमें पानी के माध्यम से भी हो जाता है एंथर का इधर से उधर ट्रांसफ़र। इसी वजह से जो पॉलिनेटर है, अधिकतर चीज़ों में पॉलिनेशन जो होता है वो या तो एयर के माध्यम से होता है या तो इंसेक्ट करवाते हैं। अब इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, मधुमक्खी का होता है। एक स्टडी ऐसी बताती है कि अगर हनी बी को मार दिया जाए, हनी बी इस अर्थ से ख़त्म हो जाए, इस पृथ्वी से, तो दुनिया भर की लगभग 53% स्पेसीज ख़त्म हो जाएंगी, लगभग 53% की स्पेसीज इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जो हनी बी होती है ये पॉलिनेटर का काम करती है। अधिकतर फ्लावर्स में जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसमें हनी बी अधिकतर यूज होती है। ठीक, कुछ में एयर पॉलिनेशन भी हो जाता है, हवा से उड़ के पहुँच जाता है। तो हनी बी आर द मेजर पॉलिनेटर किस में होता है, प्लम में होता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब बताओ, अब मैं एक चीज़ क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने पढ़ा भी दिया है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन जब होता है तो उसको किस टाइप का पॉलिनेशन कहते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो जवाब ज़रूर दीजिए, और नहीं पता है तो ये इंस्टेंट हार्टिकल्चर की जो सीरीज चल रही है सब सही से पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आपको बताना है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं, कंट्री पीज इज कॉमन रूट स्टॉक यूज इन प्लम इन इंडिया, जो प्लम की क्रॉप है इंडिया में इसमें रूट स्टॉक के फॉर्म में यूज करते हैं कंट्री पीज को। जो कंट्री पीच होती है इसको हम एक रूट स्टॉक के फॉर्म में यूज करते हैं प्लम की क्रॉप के लिए। अब इसकी वेराइटीज़ की बात कर लेते हैं, प्लम क्रॉप के जो वेराइटीज़ हैं, देखो बहुत ढेर सारी वेराइटी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वेराइटी है उन्हीं पर मैं मार्क कर दूंगा, उसको आप लर्न कर लेना। लिखा तो मैंने सब कुछ है, जितना इंस्टेंट हार्टिकल्चर में उतनी वैरायटियों को लिख दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मैं टिक लगाऊंगा केवल उसी को आप लर्न कर लीजिए, उतना तो कम से कम लर्न ही कर लीजिए। अब देखो वैरायटी में अर्ली वैरायटी है, अर्ली वैरायटी में कौन सा है, पहला तो है मिथैली,
उसके बाद है कैल्सी, संता रोजा, ये संता रोजा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद फिर अर्ली वैरायटी में एक ब्यूटी वैरायटी है, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और फिर है एक सेटलर, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। फिर है क्लॉथ ऑफ गॉड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, इसको याद कर लीजिए कि क्लॉथ ऑफ गॉड किसकी वैरायटी है, प्लम की वैरायटी है। अर्ली सुबजा, ये भी एक वैरायटी है। उसके बाद अर्ली वाली हो गई, अब मिड सीजन की वैरायटीज देख लेते हैं। मिड सीजन में एक है सत्सुमा, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद है एलिफेंट हर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद है फ्रंटियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है मिड सीजन वाले में। फिर है विक्टोरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद है बर्बंक, ये उतनी इंपॉर्टेंट वैरायटी नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाली जो हमने चार वैरायटी बताई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद लेट वैरायटी की बात कर लेते हैं। लेट वैरायटी में है मरीपोसा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक है रेड एस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जो लेट येलो, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है प्लम की। ग्रैंड ड्यूक, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। फिर है सिल्वर बिल्कसन, ये भी ठीक ठाक वैरायटी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लो हिल्स यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर कम होता हो, यानी चिलिंग रिक्वायरमेंट, जहाँ पर चिलिंग टेम्परेचर बहुत कम दिनों के लिए होता है लो हिल पर। जितना ज़्यादा हम हाई हिल पर जाएंगे वहाँ उतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती जाएगी। तो लो हिल का जो मतलब होता है कि यहाँ पर ठंडी कम पड़ रही है, ऐसे समझ सकते हैं। अलूचा पर्पल, ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। टिट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है टिट्रॉन। फिर उसके बाद है सतलुज पर्पल, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। फिर है आलू बुखारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, याद कर लेना। कुछ लोग तो जो ये प्लम होता है इसको आलू बुखारा के नाम से ही जानते हैं, इतनी फेमस वैरायटी है ये कि प्लम को अगर किसी से पूछे हिंदी में क्या कहते हैं तो आलू बुखारा ही बोलेंगे, समझ गए, आलू बुखारा एक वैरायटी है। अब देखो यूरोपियन वैरायटी देख लेते हैं कुछ, जिसमें से है एक प्रून, ग्रीन गेग, येलो एग, गोल्डन ड्रॉप। तो येलो एग और गोल्डन ड्रॉप जो हैं ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट, ये भी एक यूरोपियन वैरायटी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है। फिर है ग्रैंड ड्यूक, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये एग्ज़ाम में पूछी भी गई है, अभी किस एग्ज़ाम में पूछा गया एग्जैक्ट हमको तो नाम इस समय नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये पूछा गया ग्रैंड ड्यूक किसकी वैरायटी है। डायमंड, ये भी एक अच्छी सी वैरायटी है प्लम की। फिर है ट्रेजेडी, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। विक्टोरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। लैम्बॉर्ड, स्टोनले, इंपीरियल ब्रॉक। उसके बाद फिर है जापानीज़ वैरायटी, क्योंकि जापानीज़ ज़्यादा कल्टिवेशन की जाती है इंडिया में, इसीलिए इस वैरायटी को नोट डाउन करना और लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। पहला है संता रोज़ा, ये की वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। मेरीपोसा, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। केल्सी, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी। तो ये कुछ थी जापानीज वैरायटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर अगली वैरायटी है फ्रंटियर वैरायटी, एलिफेंट हर्ट अभी मैंने पढ़ाया था, फिर से वही आ रहा है। सत्सुमा, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। फिर है अल्लू कोखरा, अल्लू कोखरा क्या होता है, ये द फ्रूट इज़ लार्ज हैवी येलो स्क्रीन, जो आलू कोखरा है इसका जो फ्रूट होता है ये लार्ज होता है, बहुत बड़ा सा होता है, हैविंग येलो स्क्रीन, इसकी जो होती स्क्रीन वो पीली पीली होती है, स्किन जो होती है इसकी वो येलो कलर की होती है। टाइटेंड विथ रेड कलर, रेड और येलो कलर की मिक्स होता है इसकी स्किन पर। इसका जो पल्प होता है आलू खोखरा का, ये एक प्लम की वैरायटी है, इसका जो पल्प होता है वो जूसी और बहुत स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ की। अभी जो मैंने बताया ये जो जी वाला आलू खोखरा ये क्या है, एक स्पेसीज़ है, ठीक। अब हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करते हैं। प्लम कोट और प्लॉट, ये क्या, प्लम कोट एक वैरायटी है किसकी, प्लम की वैरायटी। प्लम कोट वो भी कैसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी। प्लम की हाइब्रिड वैरायटी केवल एक ही मुझे पता है, एक ही बुक में भी लिखी है, कौन सी है, प्लम कॉट वैरायटी, ठीक। तो प्लम की जो क्रॉप थी आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। आपको वीडियो में कौन से सुधार चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको पूरी करने की 100% कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।